रविंद्र भाटी ने फिर जीत लिया जनता का दिल। हार के बाद भी जनता ने भाटी को ही चुना। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी हार के बाद भी चर्चा में है। भले ही बाड़मेर से उन्हें हार मिली है, लेकिन कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वैसे ही अभी भाटी हार के बाद भी जीत चुके हैं, क्योंकि जनता अभी भी उन्हें ही अपना नेता मान रही है। और भाटी भी रुकने वालों में से नहीं है, अभी भी जनता के लिए हाजिर है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बाड़मेर में कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल की जीत हुई। हालांकि कहा जा रहा था कि रविंद्र भाटी को ही जनता जिताएगी, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। लेकिन इसके बावजूद भाटी अभी भी लोगों के दिलों में है। रविंद्र भाटी को ही जनता ने अपना नेता माना। हार के बाद रविंद्र भाटी ने कहा था कि वो उसके बाद भी जनता के लिए हाजिर रहेंगे, और वो ठीक ऐसा ही कर रहे हैं। भाटी ने एक बार फिर से जनता का दिल जीत लिया है, ये दिखाकर कि उनका कोई भी वादा झूठ और चुनाव में दिखावा नहीं था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रविंद्र सिंह भाटी ने एक वीडियो पोस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक भाटी एक सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे। उसी के वीडियो को पोस्ट करते हुए भाटी ने लिखा, अम्बावा सामाजिक कार्यक्रम में चौहटन। इस वीडियो में भाटी बड़े सादगी के साथ अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। जनता इस वीडियो पर कह रही है कि वो अभी भी भाटी को ही अपना नेता मानती है। हार के बाद भी भाटी ही उनके नेता है। विक्रम नाम के यूजर ने लिखा, आज इस क्लिप को 50 बार से ज्यादा बार देख लिया, दिल और मन को बहुत सुकून मिला, असली राजा तुम ही हो। नरेंद्र नाम के यूजर ने लिखा, यार इस बंदे का अलग ही स्वैग है, और कोई होता तो हफ्ते भर उभर नहीं पाता, पर ये आज भी जनता के साथ है। सुरेश नाम के यूजर ने लिखा, मैं कांग्रेस के विचारधारा के साथ आता हूँ, लेकिन चाहते हैं कि रविंद्र आने वाले समय में थार के सभी बड़ी और छोटी जातियों को साथ लेकर आगे बढ़े और थार समेत पूरे राजस्थान का नेतृत्व करे। इस युवा नेता में सारे गुण हैं। ये थार और राजस्थान के लिए आने वाले समय में बेहतरी के साथ काम करेगा। अर्जुन नाम के यूजर ने लिखा, कौन कहता है हमारा भाई हरा है, आज भी लाखों दिलों पे राज करता है रविंद्र सिंह भाटी। फिलहाल आपको बता दें, बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी की तरफ से कैलाश चौधरी की हार हुई और कांग्रेस के उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल की जीत। लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त भाटी की खूब चर्चा थी। कहा जा रहा था कि उनके ही जीत होगी, लेकिन नतीजों में सब पलट गया। फिलहाल इस वायरल वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या भाटी आगे भी ऐसे डटे रहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।